मित्रों, राम राम, राधे राधे, सत श्री अकाल। कैसे हो? आशा करता हूँ मित्र आप लोग ठीक होंगे। और क्या हाल चाल है? बढ़िया है। चलिए, और आप लोगों का पढ़ाई का कार्य अच्छे से चल रहा होगा? चल रहा है ना? बहुत सही। आइए मित्रों, आज हम लोग बात करते हैं किसकी। जैसे कि हम लोग कल हम लोग चक्रवृद्धि स्टार्ट किए थे। क्या मित्रों? कल हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज स्टार्ट किए थे। चक्रवृद्धि ब्याज में डिस्कस किए थे चैप्टर के बारे में। चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, कैसे क्या करते हैं, इसके बारे में डिस्कस, बेसिक मतलब उसका सा छोटा छोटा सा चीजों में डिस्कस किए थे। आज हम लोग बात करें किसमें, चक्रवृद्धि का। कल हम लोग साधारण प्रश्न कर चुके थे। आज हम लोग उसके बाद अगला हमारा टाइप क्या होगा, गुणा पर आधारित प्रश्न। किसमें? गुणा पर आधारित प्रश्नों पर। चलिए आइए देखते हैं गुणा पर आधारित प्रश्न हमारा कैसा होता है, और क्वेश्चन के माध्यम से हम समझेंगे इसमें जो भी मित्रों बनेगा, मतलब क्या बोलते हैं इसका, जो भी इसका डिस्कशन करने वाला, जो भी इसका चैप्टर बनेगा, हम आप लोगों के बीच में डिस्कस करेंगे। चलिए हैं, और उसके बाद जो भी बचेगा निपटाते चलेंगे। चलिए, आप लोग रेडी हो गए? कॉपी पेन लेकर के बैठे हो? बहुत सही। जैसे कि मित्रों क्या है, कल एक लड़का फोन करके, हमारा एक छोटा भाई है, फोन करके कह रहा था सर क्या मतलब पढ़ने से 2018 के बाद से, शायद 19 के बाद से पुलिस की वैकेंसी नहीं आई है, और 4 साल बाद 5 साल बाद आ रहे, अब तो हम ओवरेज हो गए। तो हमने कहा ये भाई यार, ये बात तो सरकार को सोचनी चाहिए, आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं। बात तो सही है, सही ही बोल रहा था। अदर सरकारें, अदर स्टेट की सरकारें देख लो, चाहे MP देख लो, राजस्थान देख लो, बिहार देख लो, हर जगह की सरकार जितने पद खाली होते हैं 4,000 5,000 तुरंत वैकेंसी दे देती है। हमारी सरकार क्या करती है, पहले आज के 2 साल पहले 26,000 वैकेंसी आनी थी, 26,000 वैकेंसी पुलिस की आनी थी। उस बीच में लड़का हमारा बैच लिया, बैच लेने के बाद पढ़ा, पढ़ने के बाद कोई ऑफलाइन पढ़ा, कोई ऑनलाइन, बैच लेके पढ़ा, टेटे फीस, मतलब ना वैकेंसी आई, लड़के का पैसा संस्था के पास चला गया, काम खत्म। उसके बाद बीच में फिर ये था कि चलिए शायद 35-37,000 वैकेंसी आनी है, फिर लड़का कोचिंग किया, फिर फीस दिया, फिर वही बात। तो ये अदर स्टेट की सरकारें मित्रों काम करती हैं रोजगार पे, हमारी हमारे यहाँ की सरकार कैसी क्या किस चीज पे काम करती है, सिर्फ खाली कागज पे काम करती है। आप लोगों को पता है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा बोल दें पता नहीं कल पकड़ के ले चले जाए। चलिए ऐसी बात है। हाँ, तो ज्यादा बात नहीं, उसका भी कहना सही बात था। अब ये मान लीजिए जो लड़का, अब ये मान लीजिए अगर ये वैकेंसी, मान लीजिए हम मान रहे 2019 के बाद से वैकेंसी नहीं आई, मान लीजिए 2019, अगर ये 20 में ना आके 21 में आ जाती, किस में, 2021 में आ जाती, जो लड़का 21 में ओवर एज होने वाला था, जो जो बंदा यहाँ 21 में ओवर एज होने वाला था, वो भले होता या ना होता लेकिन पेपर देता। जब वो पेपर देता, होता या ना होता, तो उसके दिल में ये मलाल नहीं होता कि चलिए जो मैं 19 के बाद से यहां तक मैं पेपर नहीं दे पाया। अब मलाल क्या है, 19 से आ गया कितना, 2023। अब यहां से 19 20 21 22 23 24 23, लगभग लगभग इतने सालों का अंतर हो गया, कितने, या 19 से 23, लगभग 4 सालों का अंतर है। अब 4 साल बाद वैकेंसी आ रही, 4 साल बाद ये बंदा ना तो अब पेपर दे सकता है और ना ही कुछ कर सकता है, क्योंकि इंतजार में बैठा था कि शायद एच में छूट मिल जाए। अब ना पेपर ना इंतजार। मित्र कह रहा था कि अब ये बताइए सर, 19 के बाद से वैकेंसी नहीं आई, 4 साल बाद आ गई, 4 साल बाद हम ओवर एज हो गए। हम मान लीजिए जो बंदा यहाँ, मान लीजिए हम किसकी बात कर रहे हैं, ओबीसी की बात कर रहे हैं, अब मान लीजिए जो बंदा 19 यहाँ पर 26 26 वर्ष का हो रहा हो, अब ये मान लीजिए अगर यहाँ वो 26 का है, अब 4 साल बाद आ रहे, तो 30 का तो हो गया कि नहीं हो गया, 30 वर्ष का। अब वो 4 साल बाद मित्रों 30 वर्ष का हो गया, 30 वर्ष होने के बाद ना तो वो शादी कर पाया, ना नौकरी मिली, इंतजार में बैठा था कि वैकेंसी आएगी मैं देंगे, ना तो रोजगार ना है बीवी, दोनों बातें हैं भैया। इसीलिए आप लोगों से बिना निवेदन है, गुजारिश है, आप लोग पढ़िए, पढ़ने के बाद नौकरी लीजिए और बीवी भी ले लीजिए, जाए नहीं है, सरकार आपको देगी नहीं, दो चीजें नहीं देगी, एक तो नौकरी, और दूसरी जब नौकरी मिलेगी तो अच्छी सी बीवी, ये दोनों चीजें यहां से यहां के बीच में आने वाले लड़कों के पास नहीं है।
अब जो बंदा 30 साल का हो गया तो उसके ना रिश्ते आ रहे हैं ना कुछ आ रहे हैं। चलिए फिर क्या हम बात नहीं करेंगे, बहुत हो गया भाई, बात करते हैं क्वेश्चन पे। ये तो राख बात याद आ गई तो बोल दिए। चलिए आइए बात करते हैं आज मित्रों, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में बोले तो आज हमारा नया टॉपिक क्या है, आप लोग हंसिए नहीं, सही बात है, रियल है। चलिए हाँ, सियासत एक बात याद है कि सियासत इस तरह आम पे एहसान करती है, सियासत इस तरह आवाम पे एहसान करती है मित्रों, पहले आंखें छीनती है फिर चश्मे दान करती। ये हमारे यहाँ की सरकारें हैं। चलिए हम नाम नहीं लेंगे, सरकार के बारे में हम अच्छे से जानते हैं। हमारा मकसद ये है कि मित्रों हमारे साथ के जो हमारा नव युवक भाई है उसको तो रोजगार मिले। रोजगार हम लोगों का क्या मुद्दा है, रोजगार रोजगार मिले बस, हमसे क्या मतलब, क्या करते हैं क्या नहीं करते। चलिए आइए बात करते हैं आज हमारा नया टाइप क्या होगा मित्रों, गुना पर आधारित प्रश्न, आधारित प्रश्न ये हमारा हो गया। क्या गुना पर आधारित प्रश्न है, न नौकरी न बीवी, सही बोल रहा हूँ भाई। चलिए आज हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का दूसरा टाइप क्या है मित्रों, गुना पर आधारित प्रश्न। गुना पर आधारित प्रश्न बोले तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा मित्रों, वो कह रहा है एक धनराज चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों से 3 गुना, मतलब गुना पर आधारित प्रश्न। आइए देखते हैं इसका बेसिक हम गुना कैसे करते हैं। अभी आप लोग क्वेश्चन की ओर दिमाग में लगा, पहले यहाँ देखिए, एक का गुना मतलब बोले तो एक का स्क्वायर एक, दो का गुना 4, तीन का गुना 9, 4 का गुना 16, 5 का गुना 25। बोले तो वो वर्ग की बात कर रहा है, किसकी वर्ग की बात कर रहा है, है? ये इतना हो गया 25। अभी हमारे गुने की बात कर रहा है, जिसमें समय की बात करते हैं, कितने समय। अब एक वर्ष में कितना गुना, अब एक गुणे अगर दो करोगे तो एक गुना दो अगर एक का गुणा दो में करोगे, एक और दो करोगे अब यहाँ दो का गुना कितना हो जाएगा, 2 × 2 कितना 4 वर्ष, वो 4 वर्ष में अपने का दुगना हो जाएगा। ये इसके कहने का मतलब यहाँ से हमारा होता है समय, और समय ये होता है गुना, ये बोला गुना ये बोला समय। उसके कहने का मतलब अगर कह दे कोई धनराशि हमारे 3 वर्षों में अपना का 9 गुना हो जाए, जैसे कोई बोल दे वो कोई धनराशि अपने 3 वर्षों में 9 गुना हो जाए, 3 वर्ष 9 गुना का मतलब, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर कितना, 9 का 3 का स्क्वायर 9 हो, तो 9 तो कितने वर्षों में ये 9 गुना हो जाएगी, 3 वर्षों में कोई धनराशि 3 गुण मतलब हो जाती है, तो कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगी, तो बोले कितना 3 × 2, बोले 6 वर्षों में ये कितना 9 गुना हो जाएगी। तो जिसकी इसके ऊपर जो स्क्वायर लगा रहता है वही गुना कर दिया जाता है, गुना करके तो उसका गुना निकाल लिया, ये हमारा समय इधर वाला हो जाता है जब गुना होता है। तो बोले यहाँ से एक बात ये निकल के आई, अगर किसी के ऊपर घात मतलब वर्ग के रूप में फार्म अगर बन जाए तो वो गुना हो जाता है। चलिए समय निकल आता है, अब यहाँ जैसे 2 की घात 9 होता है तो 2 × 6 6 वर्षों बाद वो अपने धन का 9 गुना हो जाएगी। कहने का मतलब समझने बात आ गई, चलिए बहुत सही। ये तो था इसका चुट्टुम पुट्टुम वाला काम जो आप लोग अच्छे से जानते हैं, मेरा मकसद ये था बताने का। चलिए यहाँ से इसका यूज आप लोग आगे देखेंगे अच्छे से। आइए बात करते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, वो पहला क्वेश्चन कह रहा है एक धनराज चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, कितने 3 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। आइए बात करते हैं, तो मित्रों तीन पहले यहाँ लिख लेते हैं हम, क्या गुना यहाँ पर समय, ये मतलब कितने सेकंड में, 5 सेकंड, 5 सेकंड में ये क्वेश्चन हल हो जाता है मित्रों, 5 से 10 सेकंड में ये क्वेश्चन, 5 से 10 सेकंड में हमारा हल हो जाता है। वो बोला कितने, आपको मैं बताने के लिए बार लिखूंगा तो शायद टाइम ज्यादा लगे, अगर मैं पेपर में बैठा होता तो मेरे साथ ये क्रिया नहीं चलती है, तो इसीलिए आप लोग जब जितनी बार प्रैक्टिस करोगे ये बार बार आपको बताना नहीं पड़ेगा। चलिए वो कह रहा है 9 गुना, क्या वो कह रहा है 3 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, कितना 3 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, हो जाती है तदनुसार वह मूल राशि 9 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी, क्या 9 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। आइए बात करते हैं गुना, गुना बोले तो एन, आइए बोले तो टी। चलिए यहां तक दिख रहा है ना, बहुत सही, अगर दिख रहा है अच्छी बात, अगर दिख रहा है। अब वो कह रहा है 3 वर्षों में 3 गुना, कितने 3 वर्षों में 3 गुना, 3 वर्षों में 3 गुना मतलब 1 गुना, 3 वर्षों में 3 गुना। अब यहां से समय क्या हो जाएगा, 3 × 1 = 3 वर्ष, ये हमारा हो गया 3 वर्षों में 3 गुना, 3 वर्षों में 3 गुना।
3 वर्षों में 3 गुना हो गया। अब वो कह रहा है वही तदनुसार, वह तदनुसार वही अपनी मूल राशि 9, मतलब वही अपनी मूल राशि 9 गुना कब होगी, 9 गुना, तो वही मूल राशि 9 गुना कब होगी, 3 का स्क्वायर 9, 9 गुना कब होगी, 3 का बोले तो 9 हो रहा है, 3 त्रिक का 9, 9 गुना हो रहा है, 9 हो रहा है कि नहीं हो रहा। उसके कहने का मतलब ये है कि वही मूल राशि 9 कब हो जाएगी, बोले तो वही मूल राशि 9 कब हो जाएगी, ये वही वही मूल राशि 9 गुनी कब होगी, ये मूल राशि 9 गुनी कब हो रही है, 3 के स्क्वायर पे 9 गुनी हो रही कि नहीं हो रही, 3 × 2 मतलब 6 वर्षों में वो अपने का 9 गुना हो जाएगा। यही तो आंसर पूछा, कितने वर्षों में 6 बोले तो सी ऑप्शन सही। चलिए ये तो इसका हो गया ट्रिक, मतलब गुना क्या था, ऐसे ट्रिक में आधा से क्वेश्चन हो गया, कितना 5 सेकंड लगा, क्वेश्चन हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये, चलिए हो गया आप लोगों का नोट, फटाक से नोट करिए, चलिए जल्दी, आज टाइम वैसे हो गया, आप लोग छेड़ दिए बात, बहुत सही, चलिए चलिए बहुत सही, लेट हो रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चलिए हटाते हैं इसको, दूसरा क्वेश्चन हमारा मित्रों कह रहा है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर दर से 6 वर्षों में अपने से 2 गुनी हो जाती है, तो उसी ब्याज की दर से वह धनराशि कितने समय में 8 गुना हो जाएगी, क्या 8 गुना हो जाती है। आइए बात करते हैं, अरे यार ये कैसे हटा दिए, गुना समय, क्या गुना समय, एन ई, चलिए गुना और समय कह रहा है कोई धनराशि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, कितने 6 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, कितनी 2 गुनी हो जाती है, तो 2 की पावर n, 6 वर्षों में कितनी हो जाती है मित्रों, वो 2 गुनी हो जाती है 6 वर्षों में, 6 × 1 = 6, 6 वर्षों में वो क्या हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है, 6 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। चलिए बात करते हैं, क्योंकि एक घात है 6 का 1 × 1 में करेंगे, 6 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। फिर क्या कह रहा है, उसी ब्याज की दर से वह धनराशि कितने समय में 8 गुना हो जाएगी, उसी समय 8 गुना हो जाएगी, कितने समय में 8 गुना हो जाएगी है, ये कितने समय में 8 गुना हो जाएगी, अब ये 2 की घात 3, 2 × 2 = 4, 2 की घात 3 कितने गुना हो जाएगी, ये 2 की घात 3 तो बोले 6 वर्षों में, तो 6 वर्ष दिया है, 6 × 3 18 वर्षों में वो अपने की कितनी 8 गुनी हो जाएगी, कितनी अपने की 8 गुनी हो जाएगी। अभी बात समझ में, कहने का मतलब ये था क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में अपने की 2 गुनी हो जाती है, कितने 6 वर्षों में अपने की 2 गुनी हो जाती, तो 6 वर्षों में अपने की 2 गुनी, 6 वर्षों में अपने की 6 × 1 2 गुनी हो गई। चलिए अब वो कह रहा उसी ब्याज की दर 6% उसी ब्याज की दर से धन कितनी समय 8 गुनी हो जाएगी, 8 गुनी अब स्वयं धन कितना 2 × 2 = 3, 2 की घात 3 अब कितने वर्ष के 6 वर्ष के, 3 × 6 कर दिए, जो कितनी घात आ जाए जितना वर्ष बोला उतना गुणा के 36 18 वर्ष, 18 वर्ष में वो मित्रों अपने की 8 गुनी हो जाएंगे, 18 बोले तो बी द करेक्ट आंसर। चलिए हमारा तीसरा क्वेश्चन आप लोग करिए, हो गया, चलिए बड़ा से नोट करिए, आप लोग बहुत लेट करते हैं भाई। बहुत सही हो गया, अच्छी बात है, ये लो। वैसे आप लोगों के तीसरा प्रश्न आप लोगों को कर लेना चाहिए था, लेकिन मैं बता रहा हूँ, चलिए देखते हैं, अगर आप लोग कर लोगे तो, अगर आप लोग बोल लोगे कर लेंगे तो अच्छी बात है। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से होने पर 6 वर्षों में 27 गुना हो जाती है, कितने 6 वर्षों में 27 गुना हो जाती है, 6 वर्षों में 27 गुना हो जाती है। चलिए बहुत सही, वही राशि कितने समय बाद समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 81 गुना हो जाएगी, कितनी 81 गुना हो जाएगी। चलिए
आइए हम लोग मित्रों यहाँ से एक बात ये करते हैं। वो कह रहा है, अब इसको आप लोग बेसिक से देखेंगे, मतलब चलिए अभी तक आप गुना पे देख लिए, गुना पे आप गुना से भी कर सकते हैं, अब आप गुना से नहीं करना, चलिए हम चल चलाते इसका एक और फार्मूले से क्वेश्चन आप लोग करा देते हैं। फार्मूला बोले तो वही फार्मूला बोले तो ए बराबर पी इंटू वन प्लस आर बाई 100 की पावर t, ये इससे हम कर देंगे। चलिए वो कह रहा है कितने, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हाँ क्वेश्चन कह रहा है एक धनराशि 6 वर्षों में 27 गुना, कितने 6 वर्षों में 27 गुना, 27 एक धनराशि 1 प्लस r/2, तो कितने वर्षों में 27 गुना हो रही मित्रों, 6 वर्षों, ये भी 6 वर्षों में वो 27 गुना हो रही, तो 27 3 का क्यूब, 3 3 का 9 3 27, 3 का क्यूब आ गया 1, अब यहां से 1 का कोई मतलब नहीं हो जाएगा, 1 प्लस इसमें गुणा हो जाएगा 1 प्लस r/100 की घाते 6, 100 की घाते 6, अब 100 की घाते 6, अब 100 की घाते 6 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम मित्रों ये लिख सकते हैं कि नहीं 2 × 3, अब इसको 2 × 3 लिखें चाहे 6 लिखें बात तो बराबर है, 2 × 3 लिखे या 6 लिखे बात तो बराबर है। आ जाइए इधर देख लीजिए, तो यहां से हमारा ये कितना 3 3 का 9, सॉरी 3 की घाते 3, ये यहां तक दिख रहा, अरे यार अब सही है 3 की घाते 3। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, 3 × 6 3 × 6, इसको ये लिख सकते हैं, अब यहां से 3, अब देखिए ये वाले 3 से ये 3 कट जाए कि गुणा है, घात पे गुणा हो रहा है ना, 2 गुणा, ये घात 3 से 3 कट जाएगा, यहां से आ जाएगा 3 बराबर 1 प्लस r/100 की पावर 2, ये क्या आ जाएगा 1 प्लस r/2, ये आ गया। अब वो क्या कह रहा है, यहां तक हमारा हो गया, अब वो कह रहा है आगे क्वेश्चन 6 वर्षों में 27 गुना हो जाए, तो वह कितने वर्षों में 81 गुना, कितने वर्षों में 81 गुना हो जाएगी, कितने वर्षों में 81 गुना हो जाएगी, 81 गुना 3 3 का 9 3 27 3 81 81, तो कितने 3 की घाते 4 1 प्लस r/100 की पावर, ये रहेगा, ये रहेगा 3, तो यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये घात इसका आपस में गुणा कर दिए 4 × 2, 8 वर्षों में वह धन की अपने का क्या हो जाएगा मित्रों, 81 गुना हो जाएगा, 8 वर्षों में वह धन अपने का 81 गुना हो जाएगा, बोले तो कौन सा डी ऑप्शन सही। चलिए हो गया, कितना आसान है, इसमें कुछ करना थोड़ी था, जो बोला यह फार्मूले से देख लिए, अगर अब आपको फार्मूला से कठिन लग रहा है तो आ जाइए गुना वाले से फिर देख लेते हैं, गुना वाले थे फिर देख लीजिए, फिर क्या था गुना, गुना समय, समय टी एन, ये गुना को क्या बोला है, शुरुआत में बोला 27 गुना हो जाए, 27 बोले तो 3 की पावर 3, 3 3 का 9 3 27, कितने वर्षों में 6 वर्षों में 27 गुना हो जाता है, कितने मित्रों 6 वर्षों में 27 गुना, तो 6 वर्ष बराबर 3 × 2, वो 2 × 3, ये हमारा यहां से बन गया। अब गुना से आप देख लीजिए, इससे मतलब आप उससे करिए चाहे इससे करिए मित्रों, आपको मतलब पता होना चाहिए हमें करना क्या है, दोनों चीजें अगर आपको याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं याद आती है ठीक वाला याद रख ली, अगर नहीं ठीक है तो बेसिक तो आपको पता होना ही चाहिए पन्ना बुक वाला। चलिए अब इसके बाद वो कह रहा है, फिर क्या कह रहा है, 27 गुना, तो वही राशि कितने समय बाद अपने सम्मान अधिकार 81 गुना हो जाएगी, चलिए 81 गुना हो जाएगी, ये 3, अब यहां से मित्रों 3 3 की घाते 1, कितने बार हम एक बार 27, ये 3 के 3 के क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, 3 निकाल लिए, कोई दिक्कत, जबकि जब बड़ा फैक्टर हो तो उसे 3 निकाल लिया जाता है, अब यहां से 3 निकालो 3 की घाते 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जब आप यहाँ 3 की घाते 1 हो जाएगा, तो यहाँ से ये 3 से 3 जब आप काट दोगे तो यहाँ कितना बचेगा 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, ये 2 वर्ष बचेगा, 2 वर्ष एक ही आ जाएगा, गुणा हो जाएगा 2 वर्ष हो गए। अब वो कह रहा है अपने का 81 गुना हो जाता है, कितना
इक्यासी गुना होगी, चक्रवृद्धि ब्याज दर 81 गुना होगी, तो 3 की घात है 4, कितना 81। वो बोला है क्या 81 गुना, क्या बोला है मित्रों 81 गुना, 81 गुना कब होगी, 3 की घात है 4, 4 है ये, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 × 2 बराबर ये हो गया। चलिए बहुत सही, समझ में आ गया तो बहुत सही, अच्छी बात है। अब आइए बात करते हैं मित्रों यहाँ से अगले क्वेश्चन की ओर, चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। चलिए बहुत सही है चौथा, ये चलिए चौथा हमारा क्वेश्चन, 2000 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 4000 हो जाती है तो वह राशि कितने वर्षों में 8000 होगी, कितने वर्षों में मित्रों 8000 होगी। चलिए वो तो गुना पे बात, इसमें बात कर रहा है, वो कह रहा है 2 वर्षों में 4000 हो जाती है, कितने मित्रों 2 वर्षों में 4000 हो जाती है, ये लीजिए 4000 हो गया, कितने वर्षों में 2 वर्षों, 2 वर्षों में 4000 हो गए, 2 वर्षों में 4000 हो गए। चलिए फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर दो वर्षों में 4000 हो जाती है, तो अगर मित्रों 2 वर्षों में 4000 1 वर्षों में 2000 अगर यहां से निकालें 2 वर्षों में 4000 तो 1 वर्षों में 2000 निकलेगा कि नहीं, 1 वर्ष में 2000 निकलेगा, समझ में आ रहा है ना, 1 वर्ष में 2000। चलिए कोई बात नहीं, अब वो कह रहा है क्वेश्चन, वह राशि कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी, वह राशि कितने वर्षों में 8000 गुना हो जाएगी, तो 1 वर्ष यहां से 2000, दो वर्षों में 4000 तो 1 वर्ष में 2000, तो वो कह रहा 8 वर्ष, 8000 कितने वर्षों में हो जाएगी, कितने 8000 कितने वर्षों में हो जाएगी, तो 8000 बटे 2000 कर दीजिए, कितने 4 वर्ष, ये आंसर हो गया। चलिए आ गया समझ में, अरे 1 वर्ष में 2000 तो 8 वर्ष कितने होगी, 8 वर्ष 8000 कितने वर्षों में होगी, तो 2 का भाग दे दिए 4 वर्षों में 8000 हो जाएगी, यही हमारा आंसर। आ गई बात समझ में, बहुत सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा ये लीजिए आपके खिदमत में पेश है 5वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बहुत सही। हो गया, आइए देखते हैं, तो ये हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने से 2 वर्षों में स्वयं का 1.69 गुना हो जाती है, तो वह ब्याज की राशि वार्षिक दर प्रतिशत में निकाले, कितने वार्षिक दर प्रतिशत में क्या होगी। चलिए आइए देखते हैं, इसमें क्या पूछ लिया गुना वाले प्रश्न में, वार्षिक दर प्रतिशत में निकालना, बहुत सही। चलिए आइए देखते हैं, वो कह रहा है एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 69, चलिए 2 वर्षों में 69 गुना हो जाए, आइए बात करते हैं कितने 2 वर्षों में, अंडर रूट 2 वर्षों की बात किया तो यहां से हो जाता अंडर रूट टी बराबर 2 वर्षों की बात किया है तो राशि कितनी है हमारी 2 वर्षों में स्वयं कितने 69 गुना, यहां लिख लीजिए गुना -1 × ये यहाँ से एक फार्मूला मित्रों याद रखना, जब ऐसे क्वेश्चन पे आ जाए तो 1.69 गुना हो जाए 2 वर्षों में। चलिए तो अगर दर पूछ ले, क्या दर पूछा हो, चलो भाई वार्षिक दर पूछा हो, तो ये क्वेश्चन मित्रों ये वाला फार्मूला याद रखना, बहुत आसान है। एक कितने सेकंड, 5 सेकंड बोले तो 5 सेकंड में क्वेश्चन हल हो जाए, कितने 5 सेकंड में, अगर ये आपको याद है इतना बड़ा क्वेश्चन। चलिए वो कह रहा है एक चक्रवृद्धि से 2 वर्षों में, 2 वर्षों में आइए बात करते हैं, ये तुम्हारा फार्मूला हो गया 2 अंडर रूट,
एक वन माइनस सिक्स नाइन, पॉइंट कितने, ओह सॉरी 1.69 माइनस वन इंटू, ये है ये एक तक फार्मूला हमारा, ये ऐसे कर लीजिए। चलिए अब आप इसका जब वर्ग करेंगे ये कितने का, 1.3 माइनस वन वन गुणे सौ। अब इसका आप माइनस करेंगे यहां से, पहले कोष्ठक वाला हल करेंगे तो कोष्ठक बाहर जाएगा, ये जब यहां से हल करेंगे तो आ जाएगा 0.3 गुणे सौ। क्या मित्रों 0.3 गुणे सौ, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यहां तक आपको समझ में आया, यहां तक कोई आपको दिक्कत। अब जब एक पॉइंट बाद दशमलव है, एक पॉइंट कम कर दीजिए यहां से, एक पॉइंट बाद दशमलव है, एक पॉइंट दशमलव एक पॉइंट कम हो जाएगा तो दस से ही 30% हो जाएगा, वो कितने 30%, 30% बोले तो डीजे करेक्ट है। चलिए ये याद रखना, बस हो गया तुरंत, कितना छोटा सा क्वेश्चन था, सिद्धि भर का क्वेश्चन है और लगाना आपको पता, फट से कर लीजिए, ताकि ये 169 13 का स्क्वायर होता है, अंडर रूट के अंदर है 169, तो कितने का वर्ग 13 का वर्ग करके माइनस एक माइनस कर लिए, पहले इसको हल कर लें बाद की गुणा करना, क्योंकि कोष्ठक के अंदर की बात है, तो यहाँ से हमारा ये कोष्ठक लग जाएगा। चलिए कोष्ठक आप लगा लीजिए, नहीं आप बार बार गड़बड़ करेंगे, ये हो गया लगा दिए खर्च से आगे। चलिए अब अगला बात करते हैं छठा क्वेश्चन, बहुत सही छठा क्वेश्चन आप लोग इसी पे कर लेना, कर लोगे, अरे यहाँ गुना दिया है, गुना किसने ए बाई के, गुना ए बाई बी के रूप में गुना दिया है कि नहीं दिया, गुना ए बाई बी के रूप में गुना दिया है, गुना कितना है 125 बटे 64 दिया है, 125 बटे जब 64 इसका वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 5/4, कितना 5/4, जब 5/4 आ जाएगा माइनस एक रह करके निकाल, चलिए अच्छा निकाल ही देते हैं भाई, जितनी देर बताएंगे उतनी देर में तो निकल जाएगा कट। आइए बात करते हैं वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से जिसके कोई धनराशि तीन वर्षों में स्वयं का 25/64 हो जाए, स्वयं का 25/64, तो टी समय कितना दिया है, समय समय कितना दिया है तीन वर्षों में स्वयं का कितना हो जाती है 125/64 हो जाती है, 125/64 हो जाती स्वयं का, तो अंडर रूट समय कितना दिया है तीन वर्ष, क्यूब हो गया, तो यहाँ कितना दिया है 125/64-1 इंटू सौ, ये क्वेश्चन दिया है कि नहीं दिया, उसी फार्मूला में रख दिए गुना वाले में, क्योंकि यहाँ a बटे बी था, a बटे बी के रूप में था, a बटे बी के रूप में लिख दिए, ऐसे साधारण संख्या एक रूप में थे, मतलब की बाई के रूप में, की बाई के रूप में रख सकते हैं। चलिए अब यहाँ से आप इसका क्यूब निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा मित्रों ये कितना 5/4, क्योंकि 25 का क्यूब है, या 4 का क्यूब है माइनस 1 इंटू सौ, जब आप इसको हल करेंगे 4×4 यहाँ जाएगा, 5 में 4 गया 1/4 इंटू सौ, बोले तो 25%, ये आंसर। चलिए कौन सा 25% बोले तो बी ऑप्शन सही, बहुत सही, ये हो गया, नोट करिए, तब तक हम लगाते हैं सातवां नंबर क्वेश्चन, ये लीजिए आपकी खिदमत में सातवां नंबर क्वेश्चन पेश है, बात समझ में आ रही आ रही है ना, मतलब गर्दा उड़ा दो यार, इतना छोटा छोटा बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, अब आपको ऐसे अब ये बताइए, इतना बड़ा क्वेश्चन है, अब आपको दो लाइन पे हो गया, इससे ज्यादा क्या चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें भाई, नागिन डांस तो कर नहीं सकता कि आप लोग खुद ही हो जाओ भाई, बिना मेहनत किए किसी की जय जयकार नहीं होती, और परिश्रम करने वाले की कभी मित्रों हार नहीं होती, जब तक आप परिश्रम नहीं करेंगे आपको चीजें नहीं मिलेंगी, आप खपाना पड़ेगा, वक्त देना पड़ेगा, जब आप समय देंगे चीजों पे लगेंगे, किसी चीज को पाने के पीछे लोग कितनी कितने कहां तक चले जाते हैं पता नहीं, हम बता सकते। चलिए हो गया आठ नंबर क्वेश्चन, सात नंबर ये आपके लगा है, चलिए देखते हैं सात नंबर क्या कह रहा है, ये देखते हैं सातवां नंबर क्वेश्चन हमारा मित्रों क्या कह रहा है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज में तीन वर्षों में 2400 रुपए और चार वर्षों में 2500 रुपए हो जाते, कितने चार वर्षों और में, मतलब समय समय बराबर, पहले कितना चार वर्षों में 2500 हो जाती है, 2520 हो जाती है, चलिए चार वर्ष, फिर
3 वर्ष कितना समय निकल आया, 1 वर्ष टोटल समय हमारा क्या निकल आया मित्रों, 1 वर्ष। अब बात वो कर रहा है उसी 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 फार्मूले में फिर आ जाइए, अंडर रूट यहाँ जब फार्मूला हो जाएगा टी, टी बराबर यहाँ जब फार्मूला आप बनाओगे तो आ जाएगा बड़ा बड़ा मान बटे छोटा मान माइनस वन इंटू, और ये यहाँ से फार्मूला आ जाएगा, ये ऐसे में जहां जहां पर संख्याएं अगर दे दी गई हो, मान मतलब 3 वर्ष का उसने क्या दे दिया है मूलधन, 3 वर्ष का उसने क्या दे दिया है मित्रों, क्वेश्चन आएगा 3 वर्ष का उसने क्या दे दिया मिश्र धन, 3 वर्ष का उसने मिश्र धन दे दिया कितना, 3 वर्ष का मिश्र धन कितना है मित्रों 2400, और 4 वर्ष का मिश्र धन, 4 वर्ष का मिश्र धन कितना है 2520 रुपए, ये हमारा मिश्र धन हो गया। तो क्या दिया, बड़ा मिश्र धन बटे छोटा मिश्र, या बड़ा मान बटे छोटा मान कर लीजिए, यहां से तो होना चाहिए थे, चलिए यहां से कर लीजिए आप, नहीं फिर आप गड़बड़ा देंगे, बड़ा मिश्र धन और यहां से कर लीजिए छोटा मिश्र धन माइनस वन, ये हो गया, वही फार्मूला है, कुछ नहीं से बदला तो कुछ नहीं है, बस ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए 3 और 4, यहाँ बस इसमें अलग अलग समय दे दिया, कितना अलग अलग समय दे दिया, उसमें समय एक साथ दे देता था, यहाँ समय 2 देके अलग अलग कर, तो दोनों क्या करना मित्रों माइनस कर देना, क्या कर देना ब्याज की दर में माइनस कर देना है, तो माइनस जब किए दोनों समय का तो कितना है 1 वर्ष, जब 1 वर्ष एक कवर करेंगे तो कोई परिवर्तन पड़ेगा नहीं, तो मित्रों डायरेक्ट जब एक कवर करेंगे कोई परिवर्तन, अगर एक कवर करेंगे कोई परिवर्तन संख्या में पड़ेगा नहीं, तो पहला हमारा मान क्या दिया है मित्रों 25, पहले क्वेश्चन में क्या दिया है 2520 बटे 2400 माइनस वन इंटू, तो ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये यहाँ से 2500 है, ये 2500 ये हो गया, अरे यार सॉरी, चलिए इतना आपको याद हो, यहां तक क्वेश्चन कर लोगे, इसके बाद तो क्या कह रहे, वार्षिक ब्याज निकालना, क्या मित्रों ब्याज निकालना है, जब आप इसको यहाँ से वार्षिक ब्याज निकालना है, चलिए अब आप इसको काटिए यहाँ से, तो काटेंगे तो अब इतने के बाद ये 0 से 0 चला गया, ये 0 से 0 चला गया, ये 0 से ये 0 चला गया, 252 सॉरी रुकिए एक मिनट, अभी काटना नहीं, बहुत सही याद आ गया, काटो मत, आ जाइए इधर देख लीजिए, इधर देखिए, जब यहाँ 2400 जाएगा, 2400 जब यहाँ आ जाएगा, ये 2520 माइनस 2400 बटे 2400 इंटू, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये होगा कि नहीं होगा, अब यहाँ से 2400 ये चला गया, 2500 में कितना आ गया 120 बटे 2400 इंटू 100, 2 0 से 2 0 का 24 5 6, सर हमारी कितनी निकल गई मित्रों 5%, 5% बोलो तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, कितना आसान सवाल हो गया एक चुटकी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां नंबर, ये चलिए नोट हो गया, चलिए फटाक से नोट करिए, अच्छा लेट मत करिए, कौन भाई, और रुकिए रुकिए एक मिनट, चलिए चलिए तब तक आप नोट कर देखिए, हम आते हैं, बाहर कोई बुला रहा है, चलिए ये हो गया मित्रों, आइए बात करते हैं हम लोग अब दूसरे टाइप की ओर, हमारा दूसरा टाइप यहाँ पे क्या है, ये दूसरा टाइप हमारा क्या है, दो समान दो समय के मिश्र धनों पर आधारित, किसने दो समय के मिश्र धनों पर आधारित, और क्वेश्चन हमारा 8 नंबर क्या कह रहा है, कोई धनराज चक्रवर्ती 3 वर्षों में, कोई धनराज चक्रवर्ती ब्याज की है? कोई धनराज चक्रवर्ती ब्याज की 3 वर्ष, 7 नंबर क्वेश्चन, हाँ सॉरी, यहाँ से हमारा टाइप चेंज हो जाता है मित्रों, ये इस वाले क्वेश्चन से, कोई धनराज चक्रवृद्धि ब्याज के चक्रवृद्धि ब्याज में 3 वर्षों में 2400 से 4 वर्षों में 2500, तो बोले यहाँ से क्या निकाल लेंगे मित्रों, समय,
समय 4 माइनस 3 बराबर कितना आ जाएगा, 1 वर्ष, 1 वर्ष आ गया। थोड़ा सा मैं सर इंक डाल दीजिए, नहीं है समय इतना, में दोनों दो बार समय दिया है, कर लिए। अब वो क्या कह रहा है, चलिए 2425, चलिए आइए भाई। अब यहाँ से एक फार्मूला यहाँ से क्या बन जाएगा, 2425, चलिए ये सही तो है, खत्म है, इंक डाल दीजिए, आइए बात करते हैं। यहाँ से हमारा एक फार्मूला मित्रों क्या बन जाता है, समय दिया है तो समय टी अंडर रूट बड़ा मिश्र धन, मिश्र धन बटे छोटा मिश्र धन -1 इनटू, ये फार्मूला। अब यहाँ समय अगर दो बार में जितना अंतर आ जाए मित्रों उतना यहाँ लिख दिया जाए, समय एक बार गए तो कोई मतलब नहीं, कितना वो दिया पहले 25 को 20 रुपए बटे 24 तो -1 एक कवर करेंगे कोई मतलब, समय एक एक दिया एक वर्ष लिखने से आप कोई वर्ष कोई मतलब नहीं निकलेंगे। यहाँ से मित्रों ये देखिए एक खत्म है, देख लीजिए यहाँ से हो जाएगा ये 2520 -2400 × 2400 ये हो जाएगा। अब आप इसमें 2400 करेंगे यहाँ से आ जाएगा 120 × 2400 × 2 0 = 24 5 120 कितना आ गया मित्रों 5%। हमारा वो आंसर कितना आ गया 5%, 5% बोले तो ए ऑप्शन ही करेक्ट, कौन सा ए ऑप्शन करेक्ट, ये वाला ए ऑप्शन करेक्ट। चलिए यहाँ तक हो गया, अब बात करते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन की। ये हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है मित्रों वो, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक बैंक में, चलिए बहुत सही हो गया, चलिए बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की। एक बैंक में कुछ राज चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश के पहले और तीसरे वर्ष समय, समय 3 - 1 कितना 2 वर्ष, ये आ गया समय यहाँ हमारा कितना निकल आया 2 वर्ष निकल आया। जब समय 2 वर्ष निकल आया तो मित्रों उसी फार्मूला में रख दीजिए, यहाँ से अगर 2 लिख दीजिए तो पहला मिश्र धन हमारा क्या है, बड़ा मिश्र धन ब्याज 87 / 1200 - 1 ये हो जाएगा, इसके बाद 100 हो जाएगा। चलिए अब आप लोग इसको यहाँ से घटाएंगे, इसको 1200 ले जाएंगे, 1200 के बाद इसको वर्ष निकाल लेंगे। अगर 2 बार है कितने 2 बार बोलो तो ये 2 बार इसका वर्ग होगा कितना, जब आप लोग इसका वर्ग निकालोगे, वर्ग निकालोगे नहीं निकालोगे, आप इसको पहले काटिए, काटने के बाद घटाइए, घटाने के बाद जो आ जाएगा आपको, मतलब मैंने ये बता दिया पिछले क्वेश्चन के तरीके आपको यही करना है। और इसका कितना परसेंट आ जाएगा आंसर, 15% इसका टोटल आंसर आ जाएगा। चलिए पुराने वाले क्वेश्चन के तरीके इसको आप कर लेना, कर लोगे ना पुराना वाला फार्मूला, अब हम फॉर्मेट में आपके बना दिए, लोगे कोई दिक्कत नहीं, चलिए कर लो, बहुत सही, बहुत लेट बोलते हो यार भाई। आइए बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, ये रहा बहुत गजब का क्वेश्चन है मित्रों, 9 नंबर हमारा, आइए बात करते हैं क्या क्वेश्चन हमारा 9 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज के 2 वर्षों में 4500 हो जाती है और 4 वर्षों में 6765 हो जाती है, कितने 4 वर्षों में। आइए बात यहाँ से निकालते हैं क्या मित्रों, समय, जब यहाँ से आप समय निकाल लोगे कितने 2 वर्षों में 4500, 4 वर्षों में 6750, तो 4 - 2 कितना निकल आया मित्रों, जब आप 4 - 2 करोगे तो कितना निकल आएगा, यहाँ से 2 वर्ष निकल आएगा, नहीं 2 वर्ष, तो अब 2 वर्ष निकल आया। तो आप इस तरह की पूछते, जब अभी तक वहां दर निकला रहा था, जब दर निकला है तो मित्रों अंडर रूट वाला लगा देना, जब दर ना निकला है तो ये वाला फार्मूला लगाना है, क्या पहला मिश्र धन
इनटू पहला मी, मतलब यहां दो बार था यहां, तो दो बार पहला लिख दीजिए, बटे दूसरा, दूसरा मिश्र, ये हो गया। अब यहां से हमारा फार्मूला हो जाएगा पी बराबर, मूलधन निकाल पी बराबर ए वन इंटू ए टू बटे ए वन इंटू ए वन बटे ए टू, ये फार्मूला बन के तैयार हुआ कि नहीं तैयार हुआ। हमें ऐसे क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना, सबको सफा करो, लगाओ जहां से जो आया है भेज दो। अब फार्मूला क्या रहा है? ऐसे क्वेश्चन में फार्मूला क्या रखना है? पी बराबर ए वन इंटू ए टू बटे ए वन इंटू ए वन बटे ए टू ना ए वन ए टू, ये फार्मूला यहाँ से बनेगा। मतलब जितना वर्ष शेष आ जाए, जितने वर्ष शेष आ जाए उतना यहाँ कर देना, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब वो कहना है क्या, 4500 इंटू 4500 बटे नीचे क्या दिया है 6750, 15 45 15 से काटिए, 15 4 60 15 5 75 कितना आ गया, ये 1 0 से 1 0 उड़ा दीजिए, एक बचा, 3 से काटिए इसको, नहीं चलिए यार 3 से काट दीजिए, 3 से काटेंगे 15 आ गया, यहाँ से कितना बचा 45 से 1 0 बचा था 10 10 बटे 15 5 दूना सॉरी यहाँ से आप 10 कर दीजिए इसको 15 15 से 45 300 10 का गुणा कर दीजिए, वो एराज कितनी हो गई मित्रों 3000, वो एराज हमारी कितनी हो गई 3000। 3000 बोले तो कौन सा आप चीज करे, आ गई ना समझ में, चलिए नोट हो गया तो अच्छी बात है। देखिए आइए दसवां क्वेश्चन, चलिए चलिए नोट करिए फटाक से, हो गया बहुत सही, दसवें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या कहेंगे। बार बार बोला फार्मूला नहीं लिखेंगे, ना कुछ लिखेंगे और ना वो ट्रिक बताएंगे, सिर्फ आप क्वेश्चन को याद रख, क्वेश्चन से कौन सी धनराशि चक्रवृद्धि के 3 वर्षों पे 6 वर्षों पर, जैसे 6 वर्षों के बाद कितने 10,035 रुपए हो जाती है, 6,690, 3 वर्षों में 6,690 हो जाती है, तो वो 3 वर्षों में 6,690 हो जाती है, तो वो 10 वर्षों में 6 वर्षों में 3 × 6 = 2 वर्ष का अंतर, चलिए इतना हो जाती है 2 बार। आइए बात करते हैं, तो कब बोला पहला मिश्र, पहला 6,690 ना पहला, हाँ 6,690 इंटू 6,690 बटे, दूसरा क्या दिया है, ये दिया। अब आप इसको काटें, काटिए काटिए कट जाएगा, दिमाग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा आप लोगों से, कहे भाई आप लोगों को नहीं कर रहा, ऐड का है जब मोबाइल नलों ने पता चल जाएगा कि रेल कब निकल गई, अली ट्रेन की आवाज में सुनाई देगी। चलिए आइए काटते हैं इसको, 15 से काटिए, 15 × 6 = 90, 15 × 6 = 90 10 बचेगा तो 103 नहीं, 5 से काटिए, चलिए पहले बात 5 से कट जाए, 5 × 100 5 × 7 = 35 ये आ गया 2005, 5 से काटिए इसको, 5 1 = 5 कितना हो 16, 5 3 = 15 कितना हो 1 19, 5 3 = 15 कितना हो 19, 5 3 = 15 4 5 8 40 ये हो गए, और एक इसी तरह का 2007 गलत तो नहीं कट रहा, चलिए एक बार देखिए काटिए, तीन से काटेगा, तीन चलो काटते हैं, 3 × 6 = 3 × 6 = 3 = 0 तीन से काटो, 6 × 18
2 20 5 18 2 3 9 27 फिर 3 से काटो, तो काटो 3 से, 3 6 12 कितना बार बचा, 13, 3 6 12 12 को एक हाँ कट जाएगा, 3 6 12 एक 18 पिछंगा था भाई, 3 से फिर काटिए, 3 3 9 अभी 3 से फिर कटेंगे, 3 से काटो 3 1 9 3 4 हो गया, 14 3 6 12 नहीं कटा, तो कितना था 446 नहीं कट रहा, इसको काटिए 3 से, 3 से इसको काटे, 3 3 7 21 कितना बचा, 1 13 ये भी नहीं कट रहा है, चलिए कितना बचा यहाँ से, यहाँ से आ जाएगा कितना 4 4 6 2 2 3 0 बटे 2 2 2 3 अब आप इसको काटिए एक बार, कितना आ गया 10, अब 10 का इसमें जो आप गुणा कर देंगे 4460 रुपए 4460 रुपए बोले तो कौन सा ऑप्शन, यही देखें कैलकुलेशन था मित्रों, जिसमें कुछ नहीं था, काटना पीटना था और ये था, चलिए समझ में आ गया, बहुत सही, मिलते हैं अगली क्लास में मित्रों, और आज तक हमारा आखिरी सेशन यही, तो मतलब आखिरी मतलब आज तक की क्लास यही रहेगी, इसके बाद जो भी अगली क्लास में होगा आपको जो आदेश मिलेगा हस्ताक्षर सब कराया जाएगा, चलिए बहुत सही, और आप लोग क्लास करिए अपने यार मित्रों को, क्लास सेंड कर दिया करिए, आप लोगों में जितना पसीना बहाया जाता है उस पसीने का कुछ तो असर दिखे, आप लोग करते नहीं हो ना, बहुत मक्कार हो गए, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में मित्रों, तब तक आप लोगों से विदा लेते हैं, जाते जाते एक बात और बोलेंगे, अपने आप माताओं बहनों के सम्मान के लिए, मिलते हैं अगली क्लास में मित्रों, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत।